देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रानी रानी रानी, चारों तरफ भयानक आपदा के निशान है, पर आश्चर्य है मुझे जिस लड़की ने यहाँ पहुंचाया है वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अचानक से कहाँ गायब हो गई? रानी भी तो दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, मेरी रानी को तो कुछ नहीं हुआ है ना? ये सब सोचने से मुझे तकलीफ हो रही है। रानी रानी, लेकिन मेरा दिल कह रहा है जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन मेरा दिल ऐसा क्यों कह रहा है? रानी को ना ढूंढने से मैं मानसिक तौर पर कमजोर पड़ गया। रानी रानी, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। आपदा थम चुकी है, देखो मां का चमत्कार, अभी प्रकृति हंस रही है। लेकिन प्रकृति के ध्वंस के निशान चारों तरफ दिख रहे हैं बाबा। हम लोगों को नए सिरे से सब कुछ फिर से तैयार करना पड़ेगा। देवी माँ की कृपा हो तो सब कुछ संभव है। अब हमें देखना है आपदा की वजह से कोई बहके तो नहीं आया, उसकी रक्षा करना अभी हमारा कर्तव्य है। माँ हमेशा खुद नहीं आती है, वो लोगों के द्वारा अपना काम करवाती है। चलो हम आगे जाके देखते हैं। बाबा प्रणाम। मंगल हो। आप दास परिवार के दास महाशय है ना? जी बाबा, आपने सही पहचाना। वही कहूं, बहु रानी के साथ आप ही थे। हम लोग सोच रहे थे कि इतने पानी के बीच वो अकेली यहाँ कैसे आई। बाबा रानी कहाँ है? वो अभी मंदिर में है। आज देवी माँ के आगे वो भक्ति भाव में लीन हो गई थी। नहीं 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 नहीं, डरने की कोई बात नहीं, माँ उसकी संतान की रक्षा कर रही है। माँ की अपार महिमा तो देखिए, सब कुछ ठीक हो गया। माँ की महिमा? नहीं तो क्या दास महाशय, इस आपदा में पूरा कलकत्ता शहर बह जाता, लेकिन माँ की कृपा से पूरा पानी उतर गया। चारों तरफ से इतनी जल्दी पानी उतर जाना थोड़ा अस्वाभाविक है। ये प्रकृति का खेल है या माँ की कृपा है ये मैं नहीं बता सकता। अगर देवी माँ गुमशुदा लोगों को वापस लौटा सकती है तो ही मैं समझता कि देवी माँ में क्षमता है। दास महाशय, देवी माँ की क्षमता को छोटा मत समझना। अब आप मंदिर में जाएं, आपके पत्नी के पास। हम लोग अब नदी किनारे जा रहे हैं, वहां कुछ तो गिरा हुआ है। हाँ ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं रानी को लेकर आता हूं। कल्याण हो। जय मां काली, 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 जय मां काली। रानी उठो, क्यों ऐसे पागलपन कर रही हो? कल रात इस तरह से चली आई, अगर कोई मुसीबत हो जाती तो मैं कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें कैसे ढूंढते यहां आया हूं? क्या हुआ, इतना क्या सोच रही हो? अभी हमें घर वापस जाना है, उधर पिताजी और माँ हमारी कितनी चिंता कर रहे हैं, और तुम्हारे इस आचरण के बारे में अगर नानी जी को पता चल गया तो फिर क्या होगा, कभी सोचा है? अच्छा इतनी दूर तुम कैसे आई हो, कौन तुम्हें लेकर आया? आ जाइए रानी, चलिए आपके लिए पालकी आई है। पालकी? किसने भेजी है पालकी? तुम जहाँ जाओगी
वहीं ले जाने के लिए पालकी आई है। रानी उठो। अरे उठो रानी, बात क्यों नहीं कर रही हो? चारों तरफ शांति छा गई है, सूरज निकला है, पानी भी उतर गया है। क्या हुआ रानी, बात क्यों नहीं कर रही हो? चलो चलो तुम घर चलो। ससुर जी पानी में बह गए थे। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। माँ ने तुम पर कृपा की है, तुम्हारे पिताजी को लौटाया है देवी माँ ने। जय वाह। पिताजी, रानी इन्हें होश आ गया। पिताजी, ओ पिताजी, आप मुझे सुन रहे हैं ना? मैं आपकी रानी, मैं आ गई हूँ। रानी तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ पालकी मिलती है कि नहीं। इनका वैद्य से इलाज करवाना होगा। मेरा दिल कह रहा है, बुआ भी यही कही है, जब देवी माँ ने मेरे पिताजी को लौटा दिया है तो बुआ को भी जरूर लौटाएंगी। आप देखिए ना आस पास, जरा देख लीजिए ना पिताजी। ओ पिताजी। पिताजी, आपने बह जाने के बाद भी रघुवीर को अपने सीने से लगा कर रखा था। रघुवीर ने आपकी रक्षा करके आपको इस काली क्षेत्र में भेज दिया। तब तो मैं कोई गलती नहीं कर रही। रघुवीर, जनार्दन, माँ काली सब एक ही हैं। हम ही देवताओं के बीच भेदभाव करते हैं। क्यों भेदभाव करते हैं हम देवताओं के बीच? क्यों? पानी कहाँ गया? रामतनु, कालीचरण, अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ, देखो यहाँ क्या हुआ है। आओ आओ आओ, देखो देखो आंगन का पानी उतर गया है। अचरज की बात है, कल रात को तो यहाँ पानी भरा था, सब कुछ साफ हो चुका है। चंद्र कहाँ है बड़े भैया?
अभी तक वापस नहीं आया। उसी का इंतजार करते करते तो रात निकल गई, पता ही नहीं चला। बाहर आके देखा तो सब थम चुका था। काली काली तुम एक काम करो, सरदार को बोलो अभी सिपाही और पालकी लेकर कालीघाट की तरफ रवाना होना। अच्छा ठीक। रामतनु रामतनु तुम आंगन घर सब साफ करने की व्यवस्था करो, शरणार्थियों को उनके घर भेज दो, और हाँ मुनीम को मेरे पास भेज। अभी जाता हूँ। माया 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 देखो यहाँ क्या हुआ है। माया बाबा ये जिंदा है, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। ये तो वही बेरा है, इसी बेरा में तो उस लड़की ने मुझे यहाँ पहुंचाया है, लेकिन वो लड़की है कहाँ? बुआ जी क्या आप इन्हें जानते हैं? बाबा ये रानी की बुआ जी है, मेरी बुआ सास है। बाबा मैं ज्यादा भगवान पे विश्वास नहीं करता, लेकिन आज मैंने कहा था कि अगर भगवान किसी खोए हुए इंसान की खबर दिला सकते हैं तो ही मैं समझूंगा उनके पास शक्ति है। पता नहीं इस कालीघाट के इलाके में आज कितने लोग अपने परिजनों से मिल पाएंगे। काली, काली, छोटे मालिक, बड़े मालिक ने भेजा है, अपने घर से सारा पानी उतर गया है छोटे मालिक, लेकिन हमारी बहुरानी माँ कहाँ, वो दिखाई नहीं दे रही, उन्हें ले जाना है हमारे साथ। हाँ सरदार, लेकिन एक पालकी से नहीं हो पाएगा, और पालकी चाहिए। तुम्हारे बहुरानी की बुआ जी और पिताजी हमें मिल गए हैं, लेकिन शरीर से अस्वस्थ है, उन्हें अपने घर ले जाना होगा। तुम जल्दी से खबर भिजवा दो। यहाँ पे तो पानी में बह के बहुत सारे लोग आए हैं। हाँ कोई भी मरा नहीं है, सभी जिंदा है। क्या कह रहे हैं छोटे मालिक, इतना बड़ा संकट आया था लेकिन कोई भी नहीं मरा इनमें से। इसका मतलब ये सब ऊपर वाले की कृपा है। जय माँ काली। इतने दिनों तक आपकी जो महिमा हम लोगों ने देखी थी, आज वो सब लोगों के सामने उजागर हुई। लोगों को लग रहा था कि तुम सिर्फ शमशान की देवी माँ हो, लेकिन आज गृहस्थों की भी देवी हो गई। तुम्हारी ये बाहर लटकती जीभ, कराल बदनी, मुंड मालिनी रूप किसी को पता नहीं था। माँ माँ तुम्हारा ये शांत रूप किसी को पता नहीं था। माँ अब से सारे लोग विपदा हारिणी माँ काली की श्री चरणों में अपना माथा अवश्य टेकेंगे। माँ अब तुम सिर्फ स्मशान की देवी नहीं हो, तुम गृहस्थों की भी देवी हो। दिही कोलकाता, आज
से काली क्षेत्र बन गया। गृहस्थी वाले लोग भी देवी माँ के चरणों में पूजा अर्पण करने आ रहे हैं। अब देवी माँ के मंदिर का निर्माण मुझे पूर्ण करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये क्या, तुम्हारी आंखों में नींद क्यों नहीं है? हर समय बस खेलते रहना है। यहाँ मुझे कितना काम है पता है? तुम यहाँ पर लेट कर खेलो, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। सो सकती है क्या? देखो हाथ पैर हिला के खेल रही है। बदमाश, ओ बदमाश लड़की, क्या कर रही हो तुम? खेल रही हो क्या तुम? सच में दीदी, बहुत प्यारी बेटी है आपकी, जरा सा भी नहीं रोती है। कभी कभी पूरी रात इतना खेलती है मैं भी नहीं सो पाती हूँ पता है, सारी रात जागना पड़ता है। माँ बनी हो और इतनी भी तकलीफ नहीं उठाओगी, ये कभी हो सकता है? वाह वाह, मुझे भी देखना है, जब तुम माँ बनोगी मैं भी देखूंगी। क्या मैं माँ बन पाऊंगी कभी दीदी? पहला बच्चा तो गर्भ में ही नष्ट हो गया था। देखना तुम्हारी भी गोद भरेगी, माँ का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जा सकता। तो फिर पहला बच्चा क्यों नहीं रोका दीदी? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई है। जब हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे जीवन से सब कुछ चला गया है, सब शून्य हो गया है, उसी समय कुछ ऐसा चमत्कार होता है जिससे भगवान हमें समझा देते हैं कि वो है। देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि काली घाट की गंगा जी की घाट में मुझे मेरे पिताजी और बुआ मिल जाएंगे, लेकिन लेकिन देखो वो लोग तो मुझे मिले, और देवी माँ पर मेरा विश्वास अटल था। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि वैसे बाढ़ वाले इलाके में माँ के मंदिर की रक्षा होगी, लेकिन ये चमत्कार तो हुआ ना। भरोसा रखना पड़ेगा सरजू, भरोसा ही सब कुछ है। देवी माँ पर भरोसा रखो, तुम्हारी आशा पूरी होगी। सब लोग तो जेठ जी और बड़ी माँ जैसे नहीं होते हैं दीदी, वो तो मुझे हमेशा धमकी देते रहते हैं और मुझे कहते हैं मैं अगर उन्हें लड़का ना दे पाऊं तो फिर वो मुझे छोड़ देंगे। और सासू माँ वो तो हमेशा मुझे ताना मारती रहती है कि मैं उनकी वंश को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, इसीलिए दूसरी बहू चाहिए। नहीं रे सरजू, तुम डरना मत, तुम्हारे भाग्य में सौतन नहीं लिखी है। बहुत दिनों से देवी माँ के दर्शन नहीं हुए, तुम जाओगी आज ही कालीघाट जाओगी। तुम अपने दिल की सारी बात माँ से कहना, तुम्हारी सारी आशाएं वो पूरी करेंगी, ठीक है? जाऊं, लेकिन क्या सोच रही हो, अभी तो नानी माँ भी नहीं रोकेंगी, तो फिर डर किस बात का है?